on students, let us do lesson 11 revision. Recreation. Recreation means fun, means manoranjan. Let us play with my ball outdoors. It is very hot outdoors. Let us watch TV indoors. Outdoor means बाहर जो गेम खेलते हैं उसको, घर से बाहर जो गेम खेलते हैं उसको हम लोग आउटडोर गेम खेलते हैं. जो घर का अंदर खेलते हैं तो उस गेम को हम लोग इंडोर गेम्स खेलते हैं, जैसे कि वॉच टीवी देखना, यहाँ बॉल खेलना. ठीक है, वी कैन रिलैक्स बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स. जो दोनों गेम खेलने से, इंडोर भी आउटडोर गेम खेलने से हम लोग रिलैक्स होते हैं. ठीक है, इंडोर गेम्स कौन से हैं? चेस, लूडो, कैरम, ये सब. आउटडोर गेम्स क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा, बैडमिंटन एंड ऑल. ओके, वी रिलैक्स व्हेन वी फील टायर्ड एंड आर फ्री. दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन. इट मेक्स अस फील फ्रेश. ये जैसे गेम खेलने से, चाहे आउटडोर या इंडोर गेम खेलने से हम लोग क्या होता है, फ्रेश फील करते हैं. पीपल डू डिफरेंट थिंग्स इन देयर फ्री टाइम. सम पीपल रीड बुक्स. लोग अपने फ्री टाइम में अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसा कि कोई कोई बुक्स रीड करते हैं. सम पीपल प्ले गेम्स. कोई कोई गेम्स खेलते हैं. पीपल ऑल्सो वॉच टेलीविजन. कोई कोई लोग टीवी वॉच करते हैं. लिसन टू म्यूजिक, सिंग एंड डांस. कोई कोई लोग म्यूजिक सुनते हैं, सिंग करते हैं और डांस करते हैं इन देयर फ्री टाइम. दिस इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट एज वेल. इसको हम लोग एंटरटेनमेंट कहते हैं. नाउ सम रिलैक्सिंग एक्टिविटीज आर हियर. जो कोई कोई ऐसे भी चीज़ें वो रिलैक्स होते हैं, वो एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं उसमें. इधर दो तीन एक्टिविटीज़ बताया गया, नेक्स्ट पेज में भी है. अभी हम लोग उसको सुनेंगे कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं. देर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट रीना एंड हर फ्रेंड्स डू इन देयर फ्री टाइम. रीना और उसके फ्रेंड्स क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे. मीता रीड्स बुक्स. हर फेवरेट बुक इज सिंड्रेला. ये नाम, इसका नाम है मीता है और इसको बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है. उसका फेवरेट बुक है सिंड्रेला. इसका नाम है जया. जया लिसन टू म्यूजिक. जया म्यूजिक सुनती है. शी प्लेस म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर. वो कंप्यूटर में म्यूजिक सुनती है. राम प्लेस क्रिकेट. राम एज अ न्यू बैट. राम को क्रिकेट करना बहुत पसंद है. उसका ये न्यू बैट है. ये दोनों इंडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहा है. सोनल वॉच टीवी. छोटा भीम इज हर फेवरेट कार्टून. सोनल क्या देखती है? टीवी देखती है. उसका फेवरेट गेम कौन सा है, फेवरेट कार्टून कौन सा है? छोटा भीम. ललित ड्रॉज अ पेंट्स. ही हैज अ थिक ड्राइंग बुक. ये ललित है और देखो बहुत सारे पिक्चर ड्रॉ करता है और पेंट करता है. उसके पास बहुत मोटी ड्राइंग की बुक है. रेहना स्पेंड्स टाइम केयरिंग फॉर द प्लांट्स इन द इनर गार्डन. देखो ये गार्डन है, वो क्या करती है, पानी डालने वो प्लांट्स, उसको अच्छा लगता है और ऐसे टाइम स्पेंड करती है. स्पेंडिंग फ्री टाइम टू रिलैक्स मेक्स अस हैप्पी. हम इस ये सब काम करने से हम लोगों को अच्छा फील, हम लोग खुश रहते हैं, अच्छा फील होता है, रिलैक्स होते हैं. इसलिए हम लोग अपना फ्री टाइम में ऐसा काम करना चाहिए. इट फिल्स अस विथ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी टू वर्क अगेन. ओके, एनर्जी भी मिलती है ऐसा काम दोबारा करने के लिए. नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज. मैच द कॉलम्स. फर्स्ट वी विल रीड ऑल द वर्ड्स. रीड म्यूजिक, क्रिकेट, टीवी, प्लांट्स, बैट, कार्टून, बुक्स, गार्डन, कंप्यूटर. Now read, which is the right answer? Bat, we can't read. Cartoon, no. Books, yes. Books we can read. This is the right answer. Second one is music. Music, bat, cartoon, no. Books, no. Garden, no. Computer, yes. We can listen music from computer. Cricket. Which is the right word? Cricket, bat, TV, cartoon, plants, garden. Write T for true and F for false statement. First question is,
वी कैन रिलैक्स ओनली आउटडोर्स नो वी कैन रिलैक्स बोथ इंडोर एंड आउटडोर्स सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट डाउन एफ पीपल सिंग एंड डांस इन देयर फ्री टाइम यस ट्रू दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रीडिंग बुक्स इज रिलैक्सिंग यस ट्रू प्लेइंग स्पोर्ट्स इज recreation yes correct so we'll write down here t for true fill in the blanks spending free time to relax makes us happy spelling happy happy we can relax both indoors and outdoors we relax when we are tired when we will relax when we relax when we are tired people sing and dance in their free time people sing and dance spelling dance dance in their free time answer these questions what is recreation The refreshment by means of some extra activities is called recreation. Recreation means क्या होता है जब हम लोग अपना free time में या उस time में जो extra activities करते हैं उसको हम लोग recreation कहते हैं Question number 2. What do you do to relax? I play and draw to relax myself. आप लोग relax कैसे होते हो आप लोग अपना लिख सकते हो I play and draw to relax myself. Okay, you can write anything. Okay. Name the recreational activities of your family. The recreational activities of my family are watching TV, dancing, playing games, listening music, reading newspaper. You can write what you like. Okay. Learn it.